प्याज की उन्नत खेती YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने YouTube चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। पहले तो जो किसान मित्र मेरे चैनल पर नए आए हैं और जो भी पुराने किसान साथी मेरे प्याज की उन्नत खेती YouTube चैनल से और WhatsApp ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामना मैं देता हूं आप लोगों को। इस वर्ष हम प्याज की जो नर्सरी लगा रहे हैं उसकी शुभकामना आप लोगों को कि बहुत अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करें, या क्योंकि प्याज की नर्सरी में भी इस बार खतरा मंडरा रहा है क्योंकि बार बार मौसम खराब हो रहा है। कभी तेज धूप निकलती है तो कभी बारिश का मौसम होता है। ऐसे में हम लोगों को नर्सरी के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात, सभी किसान मित्र जिन जिन किसानों का प्याज, नया प्याज जैसे अलवर का भी आने वाला है, महाराष्ट्र के किसान मित्रों का भी आने वाला है और मध्य प्रदेश के खंडवा बेल्ट का भी प्याज नया अभी इस वक्त शुरू होने वाला है, तो ऐसे सभी किसान मित्रों को शुभकामना देते हुए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं। और आप लोग यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जरूर आप लोगों तक पहुंच सके और कुछ मदद आप लोगों की मेरे द्वारा हो सके। शुरुआत करते हैं नए प्याज की बात से। अभी पुराना प्याज मध्य प्रदेश में खत्म नहीं हुआ है। कितना प्याज बचा हुआ है? जिन किसान मित्रों का नया प्याज, अलवर के मेरे सभी किसान मित्रों का प्याज लगभग लगभग शुरू हो चुका है और बहुत सारे किसान मित्र 8 से 10 दिन में उसकी तैयारी करने वाले हैं, तो ऐसे में किसान मित्रों, नए प्याज जिन किसानों के आ रहे हैं उनको यह डर है कि मध्य प्रदेश में कितना प्याज और बचा हुआ है। और जिन किसान मित्रों के पास में पुराना प्याज रखा है उनको यह डर है कि कहीं अलवर का ज्यादा माल एक साथ मंडी में दीपावली के बाद ना आ जाए। तो ऐसे में यह जो दो तरंगे हैं, पुराने प्याज के माल की और नए प्याज के माल की, तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए किसानों को? तो मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के जिन किसान मित्रों के पास में पुराना माल रखा हुआ है, पुराना माल बचा हुआ है, उनको 10 नवंबर के पहले अपने माल को बेचना है। 10 नवंबर के बाद हम पुराने माल को बेचकर फ्री होना है ताकि हमारे अलवर के किसान मित्र, महाराष्ट्र के किसान मित्र और खंडवा बेल्ट के, हमारे मध्य प्रदेश के रतलाम क्षेत्र के जिन किसानों ने नया प्याज लगाया है, बारिश में बहुत मेहनत की है, उन किसानों को भी प्याज का अच्छा दाम मिल सके। इसके लिए हम लोगों को प्याज का दाम मिल रहा है 40-45 रुपए किलो, हम हमारे प्याज को बेच रहे हैं। अब नया प्याज आ रहा है तो बहुत सारे किसान उसमें जल्दबाजी दिखा रहे हैं। आप माल को सूखा बनाइए, उसको उखाड़ कर आप 7 से 8 दिन और 10 दिन, उसको 8 दिन खेत में डालिए, उसकी खंडार लगाइए ताकि उसकी क्वालिटी बने, उसमें कलर पत्ती अच्छी हो। ऐसे में हम लोगों को क्या होगा कि पुराना माल भी निकल जाएगा, आपका माल भी ड्राई हो जाएगा, तो आप लोगों को भी उसमें अच्छा दाम मिलने वाला है, अच्छा दाम मिलेगा। आगे किसी प्रकार से दिसंबर तक कहीं से भी प्याज ज्यादा स्पीड में सिर्फ अलवर, खंडवा, रतलाम, सोलापुर ऐसे कुछ बेल्ट हैं जहां पर प्याज आने वाला है। गुजरात की प्याज में अभी देरी है, गुजरात में जो गोली लगी हुई है उसमें देरी है क्योंकि जिस टाइम पे अलवर में भी बारिश हो रही थी गुजरात में भी हो रही थी। ऐसे में गुजरात में बहुत भयानक बारिश इस वक्त इस साल देखी गई है। ऐसे में वहां की गोली भी लेट लगी है तो वह भी 20 दिसंबर के बाद ही शुरू होगी या जनवरी में शुरू होगी। ऐसे में किसी भी प्रकार से अलवर के किसान मित्रों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल घबरा कर माल को मंडी में ना लाए, कच्चा पक्का माल मंडी में लेकर ना आए, जिससे आप लोगों को नुकसान हो, कम भाव बिके। आज आपका माल यदि आप ड्राई करके लाएंगे तो आपको 40-45 रुपए किलो का भाव मिलेगा, और यदि आप गीला कच्चा पक्का माल लेकर आएंगे तो आपको 20-25 रुपए किलो से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ऐसे में आप लोग ज्यादा से ज्यादा
मतलब सुखाने के ऊपर ध्यान दे, प्याज को अच्छी क्वालिटी बनाने के ऊपर ध्यान दे। अभी मौसम ड्राई है, किसी भी प्रकार से कोई अपडेट नहीं है, पानी की बारिश की कोई अपडेट नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने प्याज के ऊपर ध्यान रखें, एक ही पार्टी एक ही बात, सिर्फ और सिर्फ प्याज। जब आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर प्याज की उन्नत खेती व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक मैंने दे रखी। नए किसानों से मेरा अनुरोध है कि आप उस लिंक को क्लिक कर मेरे प्याज की उन्नत खेती व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो के इंतजार नहीं करना पड़ेंगे और बहुत सारे किसानों की चैटिंग आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। ऐसे ग्रुप का मैंने एक निर्माण किया है, ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पर प्याज की उन्नत खेती का, तो आप उससे भी जुड़िए ताकि आप लोगों को दो मैंने यदि मान लो 2-3 दिन तक वीडियो नहीं बनाया तो आप उस ग्रुप से जुड़कर पूरी लिंक के साथ में आप एक लिंक अटैच किसानों के साथ हो सकती है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा प्याज किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पर ही उनको रखना है। मेरा मेरा उद्देश्य है कि किसान किसान से जुड़े और आपस में चर्चाएं करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जिन किसान मित्रों के पास में नर्सरी ना हो उनको नर्सरी मिले, जिन किसान मित्रों को प्याज के बीज की जानकारी चाहिए हो तो वो भी ग्रुप से मिले, भाव की अपडेटिंग की जानकारी वो भी ग्रुप से मिलती रहे। ऐसे में मैंने प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल, मेरा जो चैनल है इसके माध्यम से ही मैंने एक प्याज की उन्नत खेती व्हाट्सएप ग्रुप का भी निर्माण कर रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको वहां पर बहुत सारे किसानों का समूह मिलने वाला है। मेरा एक ही मकसद है कि पूरे भारत के प्याज किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया जाए, ताकि वहां से सभी किसानों को सभी क्षेत्रों की जानकारियां मिल सके। अलवर के प्याज का समय है, क्योंकि पुराने प्याज में अब धीरे धीरे आवके कम होने वाली है। पुराने प्याज से भी जो नए प्याज के किसान हैं वह डरे हुए हैं कि यह पुराना प्याज कब खत्म होगा। तो पुराने प्याज में हम लोगों को दीपावली के बाद यानी कि 10 से 15 नवंबर तक पुराना प्याज लगभग लगभग एंड की तरफ रहेगा। किसी भी प्रकार से आमदनी अब पुराने वाले में बढ़ने वाली नहीं है। आप निश्चिंत होकर और अच्छा माल ड्राई माल लेकर मंडियों में जाएं ताकि आप लोगों को अच्छा पैसा मिल सके। तो अलवर के राजस्थान के जितने भी किसान मित्र मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपके जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्रों के किसानों से उसे जोड़ें और आप जुड़ते ही आपका नाम पता और मोबाइल नंबर के साथ में आप ग्रुप पर चैटिंग करें, जिससे मैं आप लोगों को मोबाइल नंबर अपने लैपटॉप में सेव कर रखूंगा, जिससे आप मुझसे कभी भी जुड़ सकते हैं। और खंडवा रतलाम सोलापुर ऐसे कुछ बेल्ट हैं जहां पर प्याज आने वाला है। गुजरात की प्याज में अभी देरी है, गुजरात में जो गोली लगी हुई है उसमें देरी है, क्योंकि जिस टाइम पे अलवर में भी बारिश हो रही थी गुजरात में भी हो रही थी। ऐसे में गुजरात में बहुत भयानक बारिश इस वक्त इस साल देखी गई है। ऐसे में वहां की गोली भी लेट लगी है, तो वह भी 20 दिसंबर के बाद ही शुरू होगी या जनवरी में शुरू होगी। ऐसे में किसी भी प्रकार से अलवर के किसान मित्रों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल घबरा कर माल को मंडी में ना लाए, कच्चा पक्का माल मंडी में लेकर ना आए, जिससे आप लोगों को नुकसान हो, कम भाव बिके। आज आपका माल यदि आप ड्राई करके लाएंगे तो आपको 40-45 रुपए किलो का भाव मिलेगा, और यदि आप गीला कच्चा पक्का माल लेकर आएंगे तो आपको 20-25 रुपए किलो से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ऐसे में आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब सुखाने के ऊपर ध्यान दे, प्याज को अच्छी क्वालिटी बनाने के ऊपर ध्यान दे। अभी मौसम ड्राई है, किसी भी प्रकार से कोई अपडेट नहीं है, पानी की बारिश की कोई अपडेट नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने प्याज के ऊपर ध्यान रखें, एक ही पार्टी एक ही बात, सिर्फ और सिर्फ प्याज।